गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज देसाई मित्तल, अश्वमेध विद्यालय किला पाड़ी। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डेफिनेशन। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट दिस करंट मोमेंट, कि आप जो भी घटना की जो भी बात कर रहे हो तुरंत, कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये हुई आपकी क्रिया चालू। तो इसलिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बी वर्ब, एम इज आर, टू बी के वर्ब एम इज एंड आर। बट एम का यूज कहां में होता है? आई के साथ। जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तब आपको आई के साथ ही एम का यूज करना है। एंड इज सिंगुलर वर्ड्स, ही सी इट के साथ ही ये इज का यूज करना है। एंड देन आर, वी, यू एंड देन के साथ आपको आर का यूज करना है। तो हम आगे देखेंगे आर, एम, इज एंड आर की सेंटेंस फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आर, तो आर के साथ सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आई के साथ जो भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट आएगा बाद एम, प्लस जो वर्ब है उसको क्या लगेगा? आईएनजी करके एम एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर वर्ड्स। आगे वी, यू एंड दे, we, you and they, subject plus we, you and they, plural sentence की बहुरचना है, इसलिए आप इसके साथ we, you and they के साथ are plus ing करके and then object and other words। सभी sentence की sentence format एक ही है, but आई के साथ आपको एम यूज करना है एंड देन वी, यू एंड दे के साथ आपको आर यूज करना है एंड देन ही, सी एंड इट। ये है आपका सिंगुलर वर्ड्स, इसलिए आप सिंगुलर वर्ड्स की सेंटेंस फॉर्मेट में सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये तीनों की सेंटेंस फॉर्मेट एक ही है, बट आई के साथ एम, वी, यू एंड दे के साथ आर एंड ही, सी, इट के साथ इज आएगा, प्लस जो भी वर्ब है इन तीनों की सेंटेंस फॉर्मेट एक ही है, इसके साथ आईएनजी करके सभी में आ सकते। एंड देन आगे हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई सब्जेक्ट एम वर्ब एंड राइटिंग वर्ब है, इसलिए इसके साथ क्या है? आई एम प्रत्येक ऑल एकर अदर वर्ब। सेकंड एग्जाम्पल, वी, वी आर ईटिंग एंड फ्रूट्स, तो वी सब्जेक्ट ईटिंग
work and fruits other words. And then for last we have M is or RE. M is and R में sentence में use कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे. First person में कॉपी करना है. थैंक यू.